Hey guys, Manish Kumar here, back again with another new video, How to do six pack abs workout at home. आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके सिक्स पैक एब्स को बिल्ड करने में बहुत ही इम्प्रूव होगी. ऐसी सेपरेट एक्सरसाइजेज हैं जो आप डेली यूज़ करोगे तो आपके एब्स जो हैं बिल्ड होने में बहुत ही अच्छे होंगे. चलिए एब्स के वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लाइव स्टार्ट. फर्स्ट इज बॉडी वेट क्रंचेस. इसमें आपको अपने अपर एंड लोअर एब्स को पुश करना है और उसमें बिल्ड करने में कोशिश करना. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है. स्टार्ट अपने पहले ऐसे पोजीशन में आना है और अपने हैंड को बैक साइड पे लेकर जाना है और उसके बाद आपको इस तरह टेन टाइम्स. अगर आपने बॉडी वेट क्रंचेस अच्छी तरह सीख लिया हो तो सेकंड एक्सरसाइज में आते हैं जिसका नाम है क्लीन टैप्स. इसमें क्या होता है, आपको लेटना है, उसके बाद अपने पैर को टच करना है. आपको दिखाता हूँ कैसे करना है. चलिए इस पोजीशन में आपको लेटना है और लेग्स को थोड़ा ऊपर रखना है और इस अपने लेग्स को दोनों को जोड़ना है और उसके बाद दिस ऐसे करना है 20 टाइम्स. अगर आपने सेकंड एक्सरसाइज कर ली है तो थर्ड एक्सरसाइज में आते हैं जिसका नाम है वन साइड ओब्लिक्स वर्कआउट. होता है जो हमारे ओब्लिक्स होते हैं साइड के वो इम्प्रूव होते हैं और बिल्ड होने में बहुत अच्छे होते हैं. पिछले शुरू होते हैं आपको इसमें भी अपने इस टाइप के पोजिशन पे आना है, साइड पे आना है और एक लेग्स को ऊपर लेना है, एक लेग्स को नीचे, देन एक हैंड को यहाँ रखना है. 10 टाइम्स आप ऐसे करें. आपको बोथ साइड्स करना है जिस तरह की एक साइड पे ओब्लिक्स हुआ हो तो सेकंड साइड के ओब्लिक्स की एक्सरसाइज हो सके बोथ साइड्स. ओके सेम पोजीशन में आना है, 10 टाइम्स करना है. अगर आपकी थर्ड एक्सरसाइज ऑब्लिक्स वर्कआउट हो जाए तो आपकी फोर्थ एक्सरसाइज पे आते हैं जिसका नाम है हाफ बॉडी वेट क्रंचेस. इसमें क्या होता है, आपको अपने पीठ के बैक साइड पे लेट जाना है. आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं. दिस इज द फोर्थ एक्सरसाइज. ओके ऐसे आपको लेटना है, इस बार फुल बॉडी क्रंचेस नहीं मारना, हाफ बॉडी क्रंचेस मारना है. इसके लिए आपने आपको लेग्स को हाफ में लाना है, देन स्टार्ट ऐसे पोजिशन में आना है आपको. 10 टाइम्स आपको ऐसे करना है. अगर आपके हाफ बॉडी वेट क्रंचेस हो जाए तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं जिसका नाम है सीजर रेस. इसमें क्या होता है, आपके लोअर एब्स के वर्कआउट बिल्ड होने में बहुत इम्प्रूव होता है. तो चलिए बताते हैं कैसे करते हैं. आपको अपने इसके ऊपर लेट जाना है और अपने हैंड को यहाँ पर रखना है और उसके बाद लेग्स को सीजर रेस करना है 10 टाइम्स. Thank you.
अगर आपके सीजर रेस एक्सरसाइज हो जाए तो हम अगली एक्सरसाइज में आते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने अपर एब्स को बिल्ड करना है। इस एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, तो इसको आप ध्यान से देखें। आपको फिर से उसी के बाद पर लेट जाना है, अपने लेग हैंड को नीचे रखना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। अगर ये आपकी एक्सरसाइज हो जाए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, जिसका नाम है प्लैंक एब्स। इस एक्सरसाइज में आपको साइड्स के ओब्लिक्स बिल्ड होने में बहुत इम्प्रूव होंगे। तो चलिए आपको कैसे करता हूँ वो बता देता हूँ। आपको इस पोजीशन में आना है ऐसे, उसके बाद हिंट एब्स मतलब कि लेग्स को टच करना है। ओके स्टार्ट। अब आपको एक पुशअप्स मारने हैं, जिससे आपके फुल बॉडी की जो एब्स हैं वो बहुत ही अच्छे बिल्ड हों और आपको इम्प्रूव होने की शिकायत ना हो। आपको इस पोजीशन पे आना है। दिस आपको टू टाइप्स के पोजीशन को पुशअप्स मारने हैं। फर्स्ट इज स्मॉल, सेकंड इज बिग। स्टार्ट। आई होप कि मैंने जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई है आप वो डेली करेंगे। ये पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ जितनी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है अगर आप वो रोज करेंगे तो आपके सिक्स पैक एब्स जो है बहुत जल्दी बिल्ड होंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अगर आपको ये सिक्स पैक एब्स वर्कआउट आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक बटन भी दबा दें।